तिवारीपुर थाना क्षेत्र स्थित डोमिनगढ़ के समीप नदी में नहाने गए दो बच्चों के डूबने की सूचना से पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने स्थानीय नागरिकों के साथ एनडीआरएफ की मदद ली, लेकिन युवकों का शव का पता नहीं लग सका। आपको बता दें कि पिपरापुर मोहल्ले के तीन लड़के नदी में नहाने के लिए डोमिनगढ़ गए थे, जहां नदी में नहाते समय हसन 11 वर्ष और याकूब 12 वर्ष के पैर फिसल जाने से नदी की धार में बहने लगे, जिसे देख उनके साथ मौजूद तीसरे लड़के मोहम्मद सादिक ने चिल्लाना शुरू किया, जिसे सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। इस बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ के नेतृत्व में सीओ कोतवाली बीपी सिंह और तिवारीपुर के थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन पुलिस टीम को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, मैं स्टार्ट कराएंगे भाई, कराएंगे आप, मैं उस बार की तरह नहीं नहाने के इरादे से आठ बच्चे गए हुए थे और दो बच्चे किनारे नहा रहे थे और नहाते नहाते वो फिसल गए और उधर बहाव तेज था, पानी का भंवर था, उसमें वो डूब गए हैं और शेष बच्चे भाग करके गांव में सूचना दी, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची। हमारे पुलिस अधीक्षक नगर साहब, एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, मैं स्वयं, थाना प्रभारी और एसडीआरएफ की टीम लग करके तलाश कर रही है। अभी तक पता नहीं चल रहा है, प्रयास किया जा रहा है। दोनों की उम्र करीब 11 से 13 वर्ष के बीच है।